यदि दूसरा चौटाला यहाँ से इलेक्शन लड़ा है तो मेरा भी इलेक्शन क्लियर है यहाँ से, अब की बार मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगी, ताकि दूसरे चौटाला नू मेरा पता है कि तेरे ही वर्कर, बिल्कुल जी बिल्कुल, डिप्टी सीएम मैडम आगे गए सरसा जाओ, यहाँ डिप्टी सीएम का कुछ नहीं, सरसा ने जो मार के बगैर लिया था हमने तो इसको वोट भी दिया, नोट भी दिए, सपोर्ट भी दिए, पर करे के ये तो इन्हू गया करता ने चंडीगढ़ को तो कॉफी हाउस बना दिया, नहीं डिप्टी सीएम का कुछ को नहीं, इसकी मां ने 4200 वोट मिले थे, इतने तो हमारा पे केस ले आएगी वह इतने तो वोट को नहीं, तीन पुलिस की गाड़ी तो वापस ले फिर थी, सोदा के सोदा ही कुछ को नहीं हो लिया लिया जाए लिया ही तो जे यू सरेआम गोली मारने लग रहे उच्चैना के अंदर की बकवासबाजी कर रखी है यार, कड़ा है प्रशासन, कड़ा है डिप्टी सीएम, कड़ा है मतलब एमपी एमएलए सारे सुते हैं। सिक्किम जी कल डिप्टी सीएम पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उच्चैना में आकर ऐलान करके गए हैं कि दोबारा से फिर वो उच्चैना विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो क्या तैयारी है उच्चैना हल्के की और आपकी, क्योंकि लगातार आप उनके खिलाफ उनकी पार्टी में भी रही, तो आने वाला जो समय होगा कैसा महसूस करते हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस इंसान का इस धरती पर दोबारा कदम रखना है मतलब नागवारा हमने, दूसरी बात 19वीं तुम्हारा लगातार धरना चल रहा है, जब वो ऑफिस में आया है अब तो मेरे ख्याल में धरती पर पैर पड़ लिए होंगे, तो उस धरने को संभाल लेना चाहिए था 19 महीने के बाद, और किस मुंह तक मान लो वो इलेक्शन लड़ेगा यह बात हमारा समझ में नहीं आ रही, और कुकर मारा इलाके के लोग उसके गले लागेंगे यह बात हमारा समझ में नहीं आ रही, जब पूरा हरियाणा उसने धक्के खा लिए, उसने नू देख लिया एक उच्चैना फद्दू है, अब की बार उच्चैना फद्दू नहीं है, खटखट टोल पर लगातार हमने आंदोलन लड़ा है, आंदोलन लड़ने के कारण सारे जो इस इलाके के लोग हैं उनका समझ में आएगी कि भाई सही के है गलत के है, यू ओए दुष्यंत चौटाला है जिसमें मैराथन दौड़ के कारण आज हम आज भी मतलब केस भुगतने लग रहे हैं, लगातार 23 दिन इसके बारण आ गए, हमने जो खराब फसलों का मुआवजा है उसके अंदर धरना लगाया था, इस इंसान ने बात नहीं करी थी, उस टाइम यू राजस्थान का इलेक्शन लड़ा था, आप लोगों ने भी पता उस बात का, तो आज इलेक्शन यदि यू लड़ा है तो हमारी तो एक रणनीति है, पहली बात तो इसने लड़ने नहीं चाहिए, और यदि ये दूसरी बार लड़ा है यहाँ से इलेक्शन, तो आज आपके चैनल के द्वारा मैं एक चीज़ ज़रूर कह देना चाहूँ कि पहला मेरे दिमाग में ये थी भी आम लोगों का बात करा, आर जीत का पता नहीं, आप एक हुआ के राज दरबारी नहीं, कोई राज परिवार से नहीं आंदे, यदि दुष्यंत चौटाला यहाँ से इलेक्शन लड़ा है तो मेरा भी इलेक्शन क्लियर है यहाँ से, अब की बार मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगी, ताकि इस दुष्यंत चौटाला नू मेरा पता है कि तेरे ही वर्कर जो तेरे तो तंग थे, तेरी पार्टी के लिए सारी जिंदगी काम करया, और आखिरी में तेरे शोषण के कारण उनकी पार्टी छोड़ी थी, और आज वह खुद तेरे मैदान में लड़ने का तैयार है, तो दुष्यंत चौटाला यदि आवा है तो इलेक्शन लड़ा जाओगा, बिल्कुल लड़ा जाओगा, दूसरी बात उच्चैना के धरातल से कोई महिला नहीं है, पुरुष है कम से कम 15-20 कैंडिडेट, तो महिलाओं की पैरवी कौन करेगा, और जो महिला हैं आज तक आपने देखा है जो राजनीति में, या तो वो राजनीतिक परिवार से आवे हैं या वो सीट रिजर्व है, मध्यवर्ग की कोई महिला नहीं है, और फिर दूसरी बात ये है कि जो किसान आंदोलन से महिलाएं निकली थी, एक भी महिलाओं को कहीं से कोई पार्टी टिकट दे नहीं रही, नहीं दे रही तो हम अपनी ताल अपने आप टोकेंगे, या तो है नहीं हम 50% महिलाएं हैं यार, इनकी वोट देते रहेंगे और ये हमारा शोषण करते रहेंगे, और सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो चाहे जेजेपी की हो, महिलाओं का लगातार शोषण होता है, यदि हमारी एक दो महिला भी संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर जावा है और वो भी किसान आंदोलन से निकल गए, तो हम सोचते हैं कि वो उनकी बातों की पैरवी करेंगे और अपने जो हकों की रक्षा करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, डिप्टी सीएम मैडम आगे गए सरसा जाओ, यहाँ डिप्टी सीएम का कुछ नहीं, सरसा ने जो मार के बगैर लिया था हमने तो इसको वोट भी दिया, नोट भी दिए, सपोर्ट भी दिए, पर करे के ये तो इन्हू गया करता ना चंडीगढ़ को तो कॉफी हाउस बना दिया, और दूसरी बात इस इलाके में शर्माणी चीज जो आज भी उसके गिले लग रहे हैं, सिया आग बिठा दिया, यहाँ तक की चपड़ासी एक चाय पियाने वाला भी उसका सरसा का, तो फिर एक बात बताओ हम वोट क्यों दे हमारा किस एवेज में देवा कि 66 गांव में एक भी बंदा ऐसा को नहीं जिस पे दुष्यंत चौटाला विश्वास कर सका रहा है बराबर में, चलो सिया इसने बिठा दिया पर्सनली, इसके अलावा कोई बंदा इस इलाका का भी तो बिठाना चाहिए, जिस तीनू बेरा हो इन 66 गांव में नफा के है टोटा के है सुख के है दुख के है कौन वर्कर है कौन कितना काम करा है, हमारा इलाका के लोगों ने तो पैर खड़े हैं सिया के 5 साल शर्माणी चाहिए उनकी भी जय बोल रहा है, अरे ई वोट है सारा सिया का ऊपर गेड़ गया, सिया का कसूर है जे मान लो कल मैं मंत्री बनूं और मैं किसी ने उड़ा लेकर छोड़ दी हूँ और तड़के उसको ऊपर छोड़ दी, कोई तरीका थोड़ा ही है, तो मैं जो चौधरी बनकर उसके गिल्ला लग रहे हैं नहीं दूसरे चुटाला का मैं उनती नू कहूँ तम कम तक नू तो तमने जवाब तो मैं भैया भाई सियाग ने नू कर दिया था, नू कौन देखा सियाग का अपराध किसका था, सियाग की के औकात है आज कर लो ना सियाग एडे है उसी अगर एडे दुष्यंत है, तो हमारे लोग बोले हैं और इनती बोले का इस्तेमाल करने लग रहे हैं ये लोग, विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम को टक्कर देंगे या फिर नहीं, डिप्टी सीएम का कुछ को नहीं, इसकी मां ने 4200 वोट मिले थे, इतने तो हमारा पे केस ले आएगी वह इतने तो वोट को नहीं, तीन पुलिस की गाड़ी वो वापस ले फिर थी, सोदा के सोदा ही कुछ को नहीं हो लिया लिया जाए लिया ही तो
जे यू भला वक्त में जे किसान आंदोलन में चलो यू बीजेपी में बिग गया था आदमी पता है या राजनीति में रणनीति में सब कुछ जायज होती है, पर यदि किसान आंदोलन में इसका बाप बीमारी बतावा था, इसकी माँ तो कहती थी कौवियां का खैज करे नु लिया ऊँट पड़िया नहीं करता, ये बोलना वो ऊँट भी पड़ गया वह बीमारी भी पड़ गई, अरे यू दूसरे चौटाला कहा था अभी मैंने तो काले कानूनों को कभी गलत नहीं बताया, जब गलत नहीं बताया वो सही थे तो फिर अड़े लेने के आया है। दूसरी बात, उचेड़ा कोई मतलब किसी के बाप की जागीर नहीं है, इन ये दो ही परिवार है, माम ने इन तीन तीन पीढ़ियों का साथ दिया, किस्त्रियाँ दिया, इनके बाप लड़े, फिर उनके बेटे लड़े, फिर ये तीसरी पीढ़ी है इनके बेटे लड़े, ये मतलब सारी उम्र माम ने कोई इनका नाम थोड़ा ही लिख रखी है या उचेड़ा, जब हमने तीन तीन पीढ़ियों को मौका दे दिया और ये इस उचेड़ा का मतलब उधार नहीं कर सके, तो अब की बार हम माफी चाहवा भाई, वीरेंद्र परिवार भी आ लिया इसमें और चौटाला परिवार भी आ लिया, भाई हमने यहाँ से नहीं चाहिए, हमने यहाँ का कैंडिडेट चाहिए, नॉर्मल कैंडिडेट चाहिए, कई के कहने बोला सीएम बनाओगे, हम तो सीएम तक छिक लिए, 55 साल में लगातार सीएम का नाम लेकर हमारा शोषण होने लग रहा है, हमने तो सिंपल एमएलए चाहिए जो हमारी बात सुन ले, जो हमारे हल्के की आवाज़ न सुन ले और जो हमारा दुख दर्द में काम आ जाए, हमारा फोन ठह ले। कोई भी यहाँ से जीतता है तो चंडीगढ़ पाता है जी, यहाँ तो मिलता ही नहीं, तो डॉक्टर सिक्किम को मौका मिलता है तो वह सप्पा खेड़ी पाओगी, और सप्पा खेड़ी की भी छोड़ वो उसका वधर नहीं पा पावे। अच्छा जी, हाँ हमने एक सेंटर बनाया रखा है, बनने के बाद भी आप बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मकसद ये नहीं है कि निजी स्वार्थ के लिए, तो यदि कुछ करना था तो फिर तो दूसरे काम कैसे होगे फिर बिल्कुल होंगे जी, 24 घंटे काम होंगे। उचेड़ा का मैं ये कहती हूँ कि उचेड़ा का 6 महीने में रुख बदल दूंगी, लोग नु कहेंगे हाँ भाई ये तो नु कहे थे चंडीगढ़ बनाए जाएंगे, चंडीगढ़ बनाए जाएंगे उचेड़ा ने, यू तो जमा नू ले बैकवर्ड बन गया, और यदि मालिक ने मेरे को यदि मालिक ने 1% भी मौका दिया तो मैं इन तीनों बताऊंगी चंडीगढ़ कुकर बनाया करा है, चंडीगढ़ बनाना है कि 66 गांव है, छोटा सा उचेड़ा है, रातों रात सब कह दे सिस्टम है कुछ नहीं, इतना बहुत ग्रांट है, बहुत सिस्टम है, चल लोगों का मतलब चंदा इकट्ठा करना चाहिए, मैं मंदिर मस्जिद का चंदा इकट्ठा को नहीं कर दी, मैं लोगों के भला का चंदा इकट्ठा कर सकूँ हूँ, ऐड ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना मैं विकास नहीं मानती, सड़क ने विकास नहीं मानती, मैं लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो परमानेंट लोगों ने जरूरत है उनका प्रबंध सबसे पहला होना चाहिए, उसके बाद रोजगार का प्रबंध होना चाहिए, दूसरे बात महिलाओं को सुरक्षा होनी चाहिए, सरेआम गोली मारने लग रहे उचेड़ा के अंदर, के बकवासबाजी कर रखी है, या कड़ा है प्रशासन, कड़ा है डिप्टी सीएम, कड़ा है मतलब एमपी एमएलए सारे सुते हैं, अब एक बात बताओ चौधरी वीरेंद्र सिंह का सारा परिवार भाजया फिर है क्या था? सिर्फ पुत्र मोह में वीरेंद्र सिंह इतना अंधा हो रहा है, उसने नू नहीं दिखाई दे रहा, अभी तेरे तो तीन पीढ़ियां का साथ दे दिया इन लोगों ने, तो अब की बार 5 साल बैठ जाए तो किसी और परिवार के बहू बेटी ने किसी बेटे ने तू आशीर्वाद दे दे, 5 साल तू घर बैठ कर ना किसी और ना आशीर्वाद देकर देख ले, दिखाई ये सेवा करना जाना है कि सिर्फ कहने जाना है, कहीं कहीं कमें राजनीति करे, बिल्कुल करना चाहिए जी, राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है, पर हमारे घर बड़ी समस्या ये है कि ये तो दो बागड़ बिल्ले हैं, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, लोग कह तो दे वहीं इलेक्शन लड़ लो, इलेक्शन क्या क्या गेला लड़ ले, हमारे लोगों में एक कमी है, दारू भी चाहिए, हलवा भी चाहिए, रोटी पानी भी चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ी भी चाहिए ऐसी, तो किसान मजदूर के पास ये चीज़ें नहीं है, और ये नहीं है तो ये 1 महीना यूज कर लेंगे इनका, उसके बाद 5 साल इनके कपड़े तारे जाओगे, 5 साल इनकी खाल तारी जाओगी, यदि नॉर्मल परिवार के किसी ने विधायक बनाया कहीं भेजेंगे उचेड़ा वाले, जब वो आप उसका 1 रुपया नहीं खर्चा करेंगे तो उसकी क्या मतलब है, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आप इन कैसे कभी तरह के 1 रुपया भी नहीं खर्चा कर रखे यार, तो ठेकना विधायक बनाए रखे यार काम करे इलाके के, क्योंकि ना तो उसने खर्चा कर रखा जी। अब एक बात बताओ, बंदा मान लो जो इलेक्शन लड़ने लग रहा है, चलो हमारा वर्ग तो एक अलग बात है, आज के टाइम कांग्रेस के अंदर 5 से 7 कैंडिडेट इसे हैं जो लगातार इलेक्शन की दौड़ में है, जिसमें तो 2 कैंडिडेट तो इसे हैं, उनका बहुत कुछ दाव पर लग चुके हैं, जे खुदा ने खासा उनकी टिकट ना मिला तो वो क्या करेंगे, और जे टिकट मिल गई जो उनकी खर्च कर रखे नहीं पहला वो मतलब कोई भी वो कवर करता है भाई, जितना अपना खर्चा हो रहा हो तो कैड लिया बाद में देखेंगे, तो यह कमियां हमारी भी है, तो जो आम होता है उसकी एक बात सोचनी चाहिए, एक तो नॉर्मल परिवार था किसी ने नॉर्मल परिवार का बंदा ने देख लो भाई आपने इस बंदे को इलेक्शन लड़ाना है, दूसरा ये बात है कि भाई उसका खर्चा ना हो, क्योंकि यदि नॉर्मल परिवार था होगा देखना तो वो वीरेंद्र परिवार था आंदा, अभी मान लो सर छोटू राम का परिवार था आंदा, ना वो चौटाला परिवार था आंदा, ना उसने 2 नंबर का रुपया कमा रखा, तो इलेक्शन किसका दम पर लड़ेगा, महाराज जी से इलेक्शन लड़ेंगे तो जनता का दम पर लड़ेंगे, वोट भी सपोर्ट भी।